हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे कि जीमेल से रिलेटेड कुछ अपडेट के कि हैकर के कैसे निशाने पर होते हैं जीमेल, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि और इसे कैसे सिक्योर रखा जाए, कैसे बचाया जाए हैकर से भी और आपके कुछ फैमिली फ्रेंड से भी रिलेटेड जो इसका मिस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौजूदा समय में व्हाट्सएप और टेलीग्राम समेत कई ऐसे ऐप इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे पहले लोग ज़्यादातर जीमेल का यूज़ करते थे और अब मैसेज का यूज़ बिल्कुल नए के बराबर है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट, वो अभी भी मेल को इम्पोर्टेंस देते हैं। देने की वजह ये है कि उसमें एक तो कुछ काफ़ी टाइम तक डाटा सिक्योर भी रहता है और डिलीट होने का चांसेस भी कम होता है और उसका प्रूफ भी रहता है कि भेजा गया था। और ये जो ऑफिशियल वर्क के लिए मेल ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सिक्योर मानी जाती है। आमतौर पर ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में जीमेल हमेशा लॉगिन रहता है क्योंकि उसे हर कोई लॉग आउट नहीं करता, क्योंकि लॉग आउट करते फिर आपका यूट्यूब या अदर कनेक्टेड होते वो सारा का सारा फिर बंद हो जाता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन में जितने भी फ़ोन है, कोई भी मोबाइल फ़ोन में अपनी मेल आईडी कभी बंद नहीं करता। लेकिन अगर वो है कुछ तो क्या होगा, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अगर कई लोगों का जीमेल हैक के बाद सारे अकाउंट हैक हो जाते हैं। अगर आपका किसी से भी कनेक्टेड है, मान लो अगर आपने किसी व्हाट्सएप के थ्रू आप उसके टच में हो, तो वो आपकी पूरी बैकअप हिस्ट्री पढ़ सकता है, उसका मिसयूज़ कर सकता है। प्लस अगर आपने कोई ऐप में डाटा, चाहे आपके फाइनेंशियली है, फाइनेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, वो मेल आईडी अटैच कर रखी है, तो उसमें वो पूरा डाटा उसके मेल पे रहता है। क्योंकि वो कुछ ऐप हैं जैसे पेटीएम या अदर कुछ ऐप हैं या गूगल पे, फ़ोन पे, इस तरह की ऐप क्या करती है, कुछ कुछ टाइम बाद आपकी जो भी स्टेटमेंट है वो मेल पे भेजती रहती है। तो जिससे जो भी डाटा है आपके मेल पर रहता है, जो गलत, जो कुछ लोग उसका यूज़ गलत काम के लिए करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जीमेल की सिक्योरिटी दुरुस्त रखें। जीमेल हैक हो तो कुछ टिप्स है फॉलो करने की, फॉलो करके जान सकते हो कि हैक है या नहीं है। और आप अगर आपको लगता है कि जीमेल अकाउंट ओपन है, तो आप वहाँ पे जाके सिक्योरिटी में जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो इसमें कौन कौन सी मेल आईडी कहाँ कहाँ चल रही, किस किस डिवाइस में चल रही, ये आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कभी किसी और के फ़ोन में ओपन किया था लेकिन अब उसमें यूज़ में नहीं है, तो वो वहाँ पे आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। नंबर आपका है या किसी और का, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये करना चाहते हैं, इसके लिए आपको जीमेल लॉगिन करना होगा। गूगल अकाउंट में नेविगेशन पैनल में सिक्योरिटी ऑप्शन आएगा, उसे सिलेक्ट करना है। वहाँ मैनेज डिवाइस का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाकर आप जो भी डिटेल है आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा कोई डिवाइस है जो जानकारी में नहीं है, उसे लॉग आउट कर दें। जैसा भी आपको बताया, सिक्योरिटी फीचर को मजबूती के लिए पासवर्ड बदल दें। ऐसा के बाद निजी जानकारी कभी लीक नहीं होगी। याद रखें, जो भी पासवर्ड है, जो भी पिन है आपका, वो कभी भी किसी से शेयर ना करें। और थोड़ा सा इसको सिक्योर और यूनिक ये ना हो कि आप क्योंकि हैकर भी ज़्यादातर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी ये सर्वे सामने आया है कि 70-80% ये होता है कि जो पासवर्ड होते वो
डेट ऑफ बर्थ या किसी के नाम पे या किसी फ्रेंड के नाम पे ये रख दिए जाते हैं, जो काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप यूनिकनेस के साथ चलें, और जो भी आप लगाओ उसे सोच समझ के लगाओ, ताकि आगे आपको भी दिक्कत ना आए उसे लॉगिन करने में। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हो। आज के लिए ये था। अगर आप भी चाहते हो कुछ किसी और टॉपिक पे अपडेट, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।